हेलो फ्रेंड्स, एमएस किचन में आप सभी का स्वागत है। एमएस किचन में आज बनने वाला है खट्टा मीठा चटपटा दही बड़ा। तो दोस्तों, दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कप उड़द की दाल, जिसे मैंने रात को भिगो कर रख दिया था और ये अच्छे से भीग चुके हैं। और लिया है मैंने 250 ग्राम दही, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, भुने हुए जीरा का पाउडर, धनिया पत्ती, थोड़े से एक लाल मिर्च का पाउडर और ये है हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी और ये है पुदीना, धनिया और मिर्च की चटनी, थोड़ा सा धनिया पत्ती, थोड़े से करी पत्ते और आधा छोटा चम्मच कसा हुआ अदरक और लिया है हींग। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया एक मिक्सी का जार और उसी में डाल दूँगी ये भीगे हुए सारे दाल और थोड़े से पानी, ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है। और मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पत्ती, करी पत्ते और अदरक। अब इसे अच्छे से दरदरा पेस्ट बना लेंगे पीस कर। तो दोस्तों, दाल को मैंने पीस लिया है, अब इसे एक बाउल में खाली करते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक, 2 चुटकी हींग और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो मैं इसे विस्कर की सहायता से फेंट रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी फेंट सकते हैं। तो इसे हमें 10 मिनट फेंटना है, जब तक कि ये फ्लफी ना हो जाए, यानी कि हल्का ना हो जाए। तो पानी के ऊपर ये बैटर आ जा रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से फिट चुका है। तो यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है तेल और गैस को ऑन कर दिया था मैंने। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम इनसे बड़े बना के इसे फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से ऐसा छोटा छोटा गोल बना के हम इसे फ्राई करेंगे। आप इसका साइज़ अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इस बड़े को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो देखिए दोस्तों, ये बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो हम इसी तरह से सारे बड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारे बड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों, मैंने लिया है एक बर्तन और उसमें डाला है 2 ग्लास हल्का सा गर्म पानी और डाला है थोड़ा सा नमक। अब हम इसमें सारे बड़े को कर रखेंगे ताकि बड़े थोड़े से नरम हो जाएं। तो मैं इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हमारे बड़े को भीगे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसका एक्स्ट्रा जो पानी है उसे निचोड़ कर निकाल लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, मैंने सारे बड़े का पानी निचोड़ कर हल्का सा निकाल लिया है। तो अब मैं लूँगी एक बाउल और उसमें डालूँगी ये दही और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच सादा नमक, 1 छोटा चम्मच काला नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो दही हमारी अच्छे से फिट चुकी है, तो इसमें मैं एक एक करके सारे बड़े डाल दूँगी और इसे मिला लूँगी। तो हमें इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है। तो हमारे दही बड़े बनकर तैयार हैं, तो अब हम इसे सर्व करने चलते हैं। तो दोस्तों, मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल और उसमें बड़े डाले हैं और उसके ऊपर दही। तो अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हरी चटनी, फिर इमली की चटनी। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी जीरा पाउडर, 1 चुटकी सादा नमक और 1 चुटकी लाल मिर्च का पाउडर और ऊपर से डालेंगे धनिया की पत्तियाँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे खट्टे मीठे चटपटे से दही भल्ले बनकर तैयार हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी।